हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष पांडे आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं DEA में, डेली एडिटोरियल एनालिसिस, दैट इज द नेम ऑफ माय सेशन। मैं आप सब लोग का एक बार फिर से इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी स्वागत करता हूं। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की तारीख है 19 अगस्त, टुडेज डेट इज 19 अगस्त, एंड आई हैव ब्रॉट टू यू दिस वेरी स्पेशल आर्टिकल टुडे। आज एक जियोपॉलिटिकल टॉपिक पे एक आर्टिकल लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सो हमेशा की तरह एक फ्लो पैटर्न फॉलो करना है हमें। वो फ्लो क्या है कि आप लोग को सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, किससे, पिछले क्लास से रिलेटेड। और हाँ, पिछले क्लास से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। अब मैं एक नया चेंज के साथ आ रहा हूँ, कुछ नया लेकर के आ रहा हूँ। नया क्या है बताता हूँ अभी। देखिए, नया ये है कि पिछले क्लास में जो मैं लेकर के आया था क्वेश्चंस, मतलब कि हर क्लास में जो क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ उसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज से एक नया वेलकम चेंज है। तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन मेरा खाली रह जाता है उसको कमेंट सेक्शन को भर दो बेटा। 100-150 लोग इस पूरे सेशन को देखते हो हर रोज, लेकिन उस कमेंट सेक्शन में एक भी कमेंट नहीं आता है। और भैया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, प्लीज़ हाथ जोड़ करके उसमें कमेंट करो। कमेंट क्या, आपके क्वेश्चंस जो मैंने दिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो देता हूँ हर रोज़, उसको कमेंट करो, उसको हल करो। नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं अगले सेशन में समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आंसर करने में कोई बुराई थोड़ी है, ठीक, रॉन्ग ही ना होगा, इससे बुरा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ेंगे। ये रहा सिनोनिम्स, पिछले क्लास से जुड़ा हुआ सिनोनिम्स, इसको प्लीज गो थ्रू करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करिए, जो भी करना करिए, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स के बाद क्या होता है, एंटोनिम्स, ग्रिम, डिफाइंग, कंट्रास्ट, मोर्टैलिटी, फेटलिटी, स्ट्रेन वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द पिछले क्लास से जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पिछले क्लास का वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, इट इज अवेलेबल एट आर इन आर चैनल, इसरो अकेडमी के चैनल में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया कि पिछले क्लास से जुड़ा हुआ जो भी होगा क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये रहा पिछले क्लास का क्वेश्चन। जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है वो लोग प्लीज अटेम्प्ट करिएगा और इसको, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक। लिखा, इट इज इंडीड वेलकम दैट द एपेक्स कोर्ट हैज सॉट टू गिव फुल इफेक्ट टू इट्स इंटेंट बाय सेटिंग एट रेस्ट द डाउट्स अराइजिंग ऑफ द वेरिंग इंटरप्रिटेशन। सिर्फ देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ऑफ लिखा है, अराइजिंग ऑफ नहीं होता है, अराइजिंग फ्रॉम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑफ भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आउट ऑफ होता तो, ठीक है, तो अराइजिंग फ्रॉम होता है। कोई भी डाउट किसी से होता है, किसी का नहीं होता है, ठीक। मुझे इस चीज से एक डाउट निकल के आ रहा है, तो चीज से डाउट निकल के आ रहा है, तो अराइजिंग फ्रॉम होता है, ठीक। तो अराइजिंग फ्रॉम द वेरिंग इंटरप्रिटेशंस, ये ऑब्वियसली पिछले किसी एक आर्टिकल का है जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो गो एंड वॉच इट। और सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये बैंक लेवल का क्वेश्चन है, हर बार अल्टरनेट लेकर के आता हूँ। कल बैंक था तो आज SSC होगा, फिर अगले दिन बैंक होगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। दिस मे विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद हिज कोर सपोर्ट ऑफ बेस ऑफ व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स अक्रॉस मिडिल अमेरिका हु आर अनडिनाइबली इन इकोनॉमिक पेन, बट इट डज लिटिल टू रिपेयर टू द डैमेज कॉस्ट, ठीक। पहले बार पढ़ने में एक बार में एरर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है मैं बता देता हूँ, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट। एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हुई है, वो क्या लिखा है, देखिए हाइफनेटेड नाउन। देखिए हाइफनेटेड नाउन क्या होता है, हाइफन, ये जो बीच में साइन लगा है इसको क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। हाइफनेटेड नाउन जब भी होता है दो शब्दों के बीच में, तो दोनों जो है कभी भी ED वगैरह फॉर्म नहीं लगता है, ठीक। तो व्हाइट कॉलर होगा, व्हाइट कॉलर नहीं हुआ, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो मुझे पहली गलती क्या मिल गई कि बी में गलती है, 100% गलती है। जब बी में 100% गलती है तो ये वाला राइट हो सकता है, ये वाला राइट हो सकता है, और ये वाला भी राइट हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो अब तीनों में से मुझे क्या खोजना होगा, या क्या एक और गलती है, चलो चेक करते हैं। लिखा है लिटिल रिपेयर टू, ठीक, लिटिल टू रिपेयर टू द डैमेज, रिपेयर टू नहीं, रिपेयर द डैमेज होगा, यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी यूसेज ऑफ टू है, ठीक है। तो कौन सा हुआ, ई वाले में एरर हुआ, ठीक, और उसके बाद बी वाले में एरर हुआ, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया और ये वाला भी रॉन्ग हो गया, कौन सा राइट हो गया, ये। और हर सेशन में मैं उस पर्सन को अप्लॉज करूंगा जो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो पूजा सिंह, वेरी वेरी थैंक्स, मैं वहां पर भी आपको थैंक यू कहता हूँ, यहाँ पर भी आपको थैंक यू कह रहा हूँ। प्लीज बाकी लोग भी इनसे सीखिए, हर बार कॉमेंट करती हूँ, हर बार राइट आंसर देती है, तो कीप अप द गुड वर्क पूजा, एंड वी शैल कंटिन्यू विद आवर सेशन टुडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का जो सवाल है ये रहा। अब देखिए, इस सवाल को इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ क्वेश्चंस बनाने में, और हर बार कुछ नया लेकर आने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही रिगरस पढ़ाई हो गई, रिगरस पढ़ाई करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप लोगों को पढ़ने में होना चाहिए, ना मुझे पढ़ाने में, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या पूछता था SSC वगैरह एग्जामिनेशन में कि सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, डायरेक्टली सिनोनिम एंटोनिम बता तो दिया, ठीक। सिनोनिम एंटोनिम बता देने से और अब के जो सवाल आ रहे हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे ये सवाल है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्टली यूज्ड इन द सेंस ऑफ इट्स मीनिंग।
सवाल सिनोनिम एंटोनिम का ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट वे में। डिफरेंट वे मतलब क्या है भैया, रेगुलर एक सेंटेंस दे दिया है, अब उसमें एक वर्ड दे दिया है जो उसको इस्तेमाल किया गया है गलत तरीके से या सही तरीके से, आपको खोजना है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं आएगा आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेम्प्ट इट, जैसे भी हो मुझे नहीं पता, करना है तो करना है, ठीक है। तीन क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए और जो जो सही आंसर देगा उसका मैं नाम लूंगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन, ठीक। चलिए आगे बढ़ता है। So, आज का सेशन आ गया, ट्रबल्ड वाटर्स, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, साथ साथ आपको जीएस की भी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, साथ साथ आपको इंग्लिश की भी इंफॉर्मेशन आपकी बूस्ट करेगा, ठीक है। सो इंग्लिश की नॉलेज बूस्ट करेगा, इंफॉर्मेशन नहीं। तो ट्रबल्ड वाटर्स, जैसा कि पैसेज का नाम भी है ट्रबल्ड वाटर्स, सिंपल इसकी जो मीनिंग है उसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन और टाइम, मतलब कि एक बुरा समय जो ट्रबल्ड वाटर्स का, ट्रबल का मतलब क्या हो, परेशानी, ट्रबल मतलब परेशानी से भरा, और वाटर्स मतलब समय से रिलेटेड है, तो परेशानी से भरा हुआ जो समय है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सोर, सोर, एस ओ ए आर, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, एस ओ ए आर से जुड़ा हुआ एक और शब्द है, एस ओ यू आर, इस एस ओ यू आर को मत भूल जाइएगा, ठीक। एस ओ यू आर का मतलब होता है खट्टा, और ये एस ओ ए आर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो उसको हम लोग सोर कहते हैं। अब पिछली क्लास में मैंने एक वर्ड बताया था सर्च, सर्च और सोर में देखिए क्या डिफरेंस है, सर्च का मतलब होता है इंक्रीज करना, सडन इंक्रीज, फ्लडिंग, कोई भी चीज अचानक से एकदम उफान पे आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्च कह सकते हैं, ठीक। लेकिन सोर क्या होता है, कोई भी चीज का वर्टिकली राइज होना, दैट इज नोन एज सोरिंग, ठीक है। तो प्राइसेस क्या होते हैं, वर्टिकली जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसको सर्जिंग प्राइस नहीं कहते, सोरिंग प्राइसेस कहते हैं, ठीक, ऊपर बढ़ता हुआ। आगे बढ़ते हैं, फ्लीट लिखा हुआ है, फ्लीट इतना बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है लेकिन इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो रट्टा मार लो, लेकिन फ्लीट की सिंपल सी मीनिंग है भैया आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, मतलब मिलिट्री से जुड़ा हुआ एक शब्द है, फ्लीट का मतलब ग्रुप होता है, जनरली ग्रुप किसका, शिप्स का या फिर एयरक्राफ्ट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं, जब वो एक साथ चलते हैं किसी एक काम को करने के लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज अ फ्लीट, ठीक। अ कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है, ये रहा ए सी ओ एम पी एन वाई, कंपनी, जो कंपनी में आप काम करते हैं वो भी कंपनी होती है, और कंपनी का मतलब किसी का साथ देना, दैट इज कंपनी, ठीक। तो अ कंपनी ये वर्ब है, ठीक, जो कंपनी से जुड़ा हुआ, मतलब कि दोनों साथ देने का मतलब क्या हुआ, अकंपनी करना, किसी के साथ जाना, तो लिखा हुआ है गो विथ और फॉलो। ट्रिगर, देखिए ट्रिगर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे काम के लिए किसी को प्रोवोक कर दे, उकसा दे, दैट इज नोन एज ट्रिगरिंग। कॉमन सेंस, बंदूक को दबाते हो ट्रिगर तभी ना गोली निकलती है, तो वो दबाने से ही गोली मिलती है, तो वो काम क्या करता है, वो इग्नाइट कर देता है, उकसा देता है सामने वाले को, ठीक है। तो टू कॉज टू, सॉरी कॉज टू फंक्शन, मतलब किसी काम को करने के लिए उकसाना, ठीक है। और सेकेंड लास्ट क्या है, हॉस्टिलिटी, शोइंग और फीलिंग, ठीक। शोइंग का मतलब दिखाना, और फीलिंग मतलब महसूस करना, किस चीज़ का, ऑपोजिशन और डिसलाइक, मतलब सामने वाले को आपसे मत से आप मत नहीं रखते हो, या फिर उसके अगेंस्ट जाकर कोई काम करते हो, तो वो होस्टाइल हो जाता है, कोई पर्सन किसी पर्सन से होस्टाइल होता है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया और नेपाल जो रिलेशंस है, ठीक, तो जैसे भी नेपाल ने काफ़ी बुरे बयान दिए इंडिया के खिलाफ, इंडिया से दूर होने के, तो क्या नेपाल को मैं क्या कहूँगा, कि वो एक होस्टाइल नेशन हो गया, मतलब कि अब इंडिया का फ्रेंडली नहीं रह गया, वो क्या हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, ठीक है, दैट इज होस्टिलिटी। एंड लास्ट दैट इज ट्रबलसम, ट्रबलसम का मतलब क्या हुआ, परेशानी से भरा हुआ, ठीक, कॉजिंग डिफिकल्टी और एनॉयंस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अब इसमें जो ये ट्रबल्ड वाटर्स जो आज का पैसेज है, सॉरी आर्टिकल है, इसको पहले इसका बैकड्रॉप दे देता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ कि इसमें एक्चुअली में क्या बात करनी है, ठीक। एक नया मुद्दा उभर करके आया है इंटरनेशनली, और बहुत ही हीटिंग मुद्दा है इस समय का, उसमें इन्वॉल्व कौन कौन हो गया, यूरोप इन्वॉल्व हो गया है, टर्की इन्वॉल्व हो गया, और बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंड ऑफ हुआ है, ठीक, वो बेसिकली किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ है वो मैं वो भी बताऊंगा, उसके पहले मैं हिंट देता हूं। अभी आमिर खान को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो किसी कंट्री गए थे, उसी कंट्री से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। EU and Turkey should not let tensions in the East Mediterranean lead to open conflict. Sorry, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। EU क्या है? European Union, आपको तो पता होना चाहिए, यूरोप में एक मतलब एक यूनियन बना हुआ, जिसको हम लोग EU कहते हैं, European Union, और किस कंट्री के बीच में, Turkey, ठीक। Turkey should not let tensions in the Eastern Mediterranean lead to open conflict. Conflict का मतलब विवाद,
ओपन मतलब खुले तौर पे, जो कोई विवाद होता है एक अंदरूनी तौर पे होता है, एक ओपन मतलब खुले तौर पे, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि यू और टर्की के बीच में तनातनी हो गई है, ठीक। कैसी तनातनी देखेंगे, तो कह रहा है कि उनके बीच में जो टेंशन हुआ है कहाँ पे, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, आप जाइए मैप पे देखिए मेडिटेरेनियन सी है, उसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। उन कंट्रीज में बहुत सारे नेम्स आते हैं, साइप्रस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, देखेंगे अभी कौन कौन से। तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का जो रीजन है उनके बीच में जो टेंशन है उससे कोई बड़ा कंफ्लिक्ट, खुले तौर पे कोई कंफ्लिक्ट ना हो जाए, ये एक सुझाव है किसका, राइटर का, ठीक। चलिए अब बीच में चलते हैं क्या कह रहा है। टेंशंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर्ड लास्ट वीक, सोर का मीनिंग क्या बताया, भागना, कोई भी चीज ऊपर भागती है। तो क्या कह रहा है कि मतलब कि जो टेंशंस है कहां पे, ईस्टर्न पार्ट, किसका ईस्टर्न पार्ट, मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्टर्न पार्ट पे, मतलब कि पूर्वी पार्ट पे जो टेंशंस हो रहे हैं वो क्या बढ़ गए, मतलब पहले से ही थे लेकिन और ज्यादा बढ़ गए, कब, पिछले हफ्ते, ठीक। वो किस कारण हुआ, विथ टर्की सेंडिंग एन एक्सप्लोरेशन वेसल, विथ का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि वो बताना चाहता है उसका कारण क्या है, किस कारण से हुआ है, टर्की ने क्या किया, सेंड किया है, क्या सेंड किया है, एक्सप्लोरेशन वेसल। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को खोज करना, दैट इज नोन एज एक्सप्लोर करना, ठीक है, दैट इज एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन वेसल को खोजा है, एकम्पनीड बाई ए नेवी फ्लीट, मतलब एक्सप्लोरेशन वेसल तो भेजा ही है, साथ साथ उसके एक नेवी फ्लीट भी भेजा है, मतलब कि उसके इंटेंशंस सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खोज करने का इंटेंशन नहीं है, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना और थोड़ा सा होस्टाइल नेचर को दर्शाना भी उसका उसका जो है एक मोटो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है, कहाँ भेजा भैया, टू द डिस्प्यूटेड वाटर्स। अब देखो डिस्प्यूटेड वाटर्स का मतलब क्या हुआ, वाटर का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन वाटर का प्लूरल वाटर्स होता है कब, जब उसको हम लोग सी के तौर पे देखते हैं, तो मेडिटेरेनियन क्या है, सी है, तो वाटर्स का मतलब क्या हुआ, उस डिस्प्यूटेड सी में, तो यहाँ पे वाटर्स का मतलब सी, याद रखिएगा। अब वो भेजा कहाँ है, डिस्प्यूटेड वाटर्स में, और लगे हाथ क्या हुआ, फ्रांस डिस्पैचिंग वॉरशिप्स। तो मतलब इस हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो टर्की ने मेडिटेरेनियन सी में अपनी नेवल फ्लीट भेजी, तो लगे हाथ किसने भेज दिया, फ्रांस ने भी क्या भेज दिया, वॉरशिप्स, कहाँ, उसी रीजन में, किस क्या करने के लिए, टू असिस्ट ग्रीस, मतलब कि ग्रीस का जो फ्रेंडली नेशन है कौन, फ्रांस, उसने क्या किया, ग्रीस के सपोर्ट में कुछ भेजा है, क्या भेजा है, वॉरशिप भेजिए, कहाँ पे, उसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो सिनेरियो समझते रहिएगा, लिखा है द ट्रिगर फॉर द रीसेंट हॉस्टिलिटी, ट्रिगर का मतलब किस काम, कोई ऐसा एक्शन जिसने दूसरे काम को अंजाम दिया, वो कौन सा हुआ, वो ट्रिगर क्या है, रीसेंट हॉस्टिलिटी मतलब हाल फिलहाल में जो ये जो अनफ्रेंडलीनेस आ गया इनके बीच में, किसके किसके बीच में, टर्की और ग्रीस के बीच में, उसको वो आग लगाने का काम क्या हुआ, which have historically shared troublesome, कह रहा है कि which, ये which किसके लिए है, ये है टर्की के लिए और ग्रीस के लिए, कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में पहले भी, मतलब हिस्टोरिकली मतलब इतिहास में भी पहले भी उनके बीच में काफी ट्रबलसम, मतलब कि मतलब विवादित रिलेशनशिप रहे हैं, ठीक, उनके जो रिलेशनशिप वो अच्छे नहीं रहे हैं, और उसको और बुरा करने में किस काम ने सबसे ज्यादा मदद की, वो काम मदद की, हैज बीन द डिस्कवरी ऑफ गैस, मतलब कि एक गैस की डिस्कवरी हुई है, ठीक, कहाँ पे, मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन रीजन में गैस मिला है, गैस का स्रोत मिला है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ग्रीस और सॉरी टर्की और ग्रीस के बीच में एक विवाद पैदा हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हियर इट इज, मेन लैंड, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज, मेन लैंड देखिए सिंपल भाषा में समझा दूं, मेन लैंड वो होता है, किसी भी कंट्री के कई तरीके के लैंड होते हैं, मेन लैंड मतलब एक जो जमीन का टुकड़ा होता है, एक का एक, उसको हम लोग मेन लैंड कहते हैं। भारत का भी कई सारा टुकड़ा, जैसे अंडमान निकोबार भी भारत का पार्ट है, लेकिन वो मेन लैंड नहीं है, क्योंकि वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है। तो मेन लैंड का मतलब शुद्ध हिंदी में मुख्य धारा हो गया, मीनिंग लिखी हुई है बड़ी वाली, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इतना हिंदी मतलब मेन लैंड मतलब मुख्य धारा। नीचे लिखा है जियो पोलिटिकल, देखिए जियो पोलिटिकल कोई स्पेशल शब्द नहीं है, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, यहाँ ये देखो जियो और पॉलिटिकल दो पार्ट्स में तोड़ दो, पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ राजनीतिक, और जियो का मतलब क्या हुआ क्या ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्या होता है, तो मतलब दोनों को मिलाकर के जियो पॉलिटिकल बन जाता है, ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल मतलब जहां पे ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व हो, जहां पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो। तो मेडिटेरेनियन सी क्या है, मतलब कि उसके ऊपर सबका सबकी नजर है, कि वहां पे जो भी चीजें मिलेगी तो क्या कहलाएंगे, वो मुद्दे क्या कहलाएंगे, जियो पॉलिटिकल मुद्दे कहलाएंगे, ठीक है। अब ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ओवर सो एज टू कवर पार्टली, ठीक, मीनिंग को छोड़ो मैं समझा देता हूँ। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक रखना, मतलब कि किसी के ऊपर चढ़ाई करना, उसको कवर कर देने के लिए, मतलब ढक देने के लिए। तो ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, कि एक मुद्दे को दबाने के लिए किसी ने दूसरा मुद्दा उसके ऊपर ठोक दिया, ठीक, मतलब एक को कवर करने के लिए टोटली उसके ऊपर कुछ रख देना, दैट इज ओवरलैपिंग। अब होता क्या, जैसे दो भाई के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक, एक ने अपनी बात रखी, उसको दबाने के लिए दूसरे ने अपनी बात रख दी, तो एक ही मुद्दे पर दोनों एक दूसरे को
ऊपर बात करते हैं, दैट इज क्या, ओवरलैपिंग। ठीक, अभी देखेंगे समझेंगे क्या हो रहा है। मैरीटाइम का मतलब क्या होगा, कनेक्टेड विद द सी, मतलब कि समुद्र से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं उसको हम लोग मैरीटाइम कहते हैं। तो मैरीटाइम कनेक्टेड विद द सी, मैरीटाइम सिक्योरिटी होता है। ठीक है, इन्फ्यूरिएट बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन वर्ड है। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या हुआ, मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री एंड इम्पेशेंट। ठीक, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना और उसके उसके पेशेंस को चेक करना, दैट इज इन्फ्यूरिएशन या इन्फ्यूरिएट। ठीक है, क्या कहते हैं, तो कह रहा है मेडिटेरियन वाटर्स में एक नया गैस का पाइपलाइन या फिर गैस का सोर्स मिला है, जिसमें अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट है। द ईयूज प्लान्स, अब वो मिल गया तो उसमें क्या, ईयू क्या है, ईयू के बारे में बता दिया, यूरोपियन यूनियन। द ईयूज प्लान्स टू ट्रांसपोर्ट द गैस टू इट्स मेन लैंड, मतलब कि ईयू क्या चाहता है कि वो उस वहां जो गैस मिली है उसको कहां ले आना चाहता है, अपने मेन लैंड में, मतलब अपने देश में ले आना चाहता है। ठीक, सॉरी, अपने कॉन्टिनेंट में लाना चाहता है। ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लेकर के आना चाहता है, कौन, ईयू, विच, ये किसके लिए है। ठीक, जिससे कि क्या होगा, वुड हेल्प रिड्यूस इस डिपेंडेंसी ऑन रशिया, रशिया के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी, मतलब यूरोपियन यूनियन ज्यादातर रशिया के ऊपर डिपेंड करता है किसके लिए, गैस के लिए। तो अब मेडिटेरेनियन में जो कि गैस मिल चुका है तो डायरेक्टली अगर वहां से ट्रांसपोर्ट कर पाता है तो उसकी डिपेंडेंसी, मतलब की निर्भरता कम हो जाएगी किसके ऊपर से, रशिया के ऊपर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव रेज्ड द रीजन्स जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल, अब हैव रेज्ड का मतलब किसका, किसके लिए, देखिए यहाँ पे द हिंदू का जो तरीका है ना लिखने का, वो उसको सेपरेट कर देगा किसे, कॉमा कॉमा से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ईयू का जो प्लान है मेनलैंड से गैस को ट्रांसपोर्ट करने का, विच, अब ये विच किसके लिए, उस प्लान के लिए है, वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब हैव किसके लिए है, ठीक, इस प्लान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो हैव रेज्ड द रीजन्स जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल, ठीक, और जब उसने प्लान बना दिया है तो इसका इसका इससे क्या हुआ है कि आसपास के जो जितने भी कंट्रीज हैं जिनका इंटरेस्ट है मेडिटेरेनियन में, उनकी भौहें तन गई हैं। ठीक, वो अब देख रहे हैं कि क्या एक्चुअली में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा, टर्की एंड ग्रीस हैव ओवरलैपिंग मैरीटाइम क्लेम्स, अब दो कंट्रीज आ गई, कौन कौन सी, टर्की और ग्रीस, इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे टर्की और ग्रीस में क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत पहले की प्रॉब्लम्स हुई हैं, कई सारे ट्रीटीज भी हुए इनके बीच में। तो टर्की और ग्रीस का हमेशा से क्या रहा है, ओवरलैपिंग मैरीटाइम क्लेम्स, मतलब कि वो कहता है ये भी मेरा है, मतलब ग्रीस भी कहता है ये मेरा है और टर्की भी कहता है मेरा, तो वो क्या कहता है, उसका जो क्लेम्स है वो ओवरलैपिंग हो जाता है, किस चीज में, मैरीटाइम, मतलब जो समुद्री जो क्षेत्र है उसको लेकर के दोनों के जो इंटरेस्ट है वो कभी कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, मतलब कंफ्लिक्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ता है कि टर्की और ग्रीस की बात कर रहा है, अब क्या कह रहा है, बट व्हेन ईयू मेंबर्स एंड इट्स अलाइज इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका मेड प्लान्स टू बिल्ड अ गैस पाइपलाइन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू द यूरोप्स मेनलैंड, दे केप्ट टर्की आउट ऑफ इट, यहां पे रोक देते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि हालांकि उनको उनके बीच में मुद्दा तो चल रहा है, लेकिन एक नया मुद्दा भी उभर गया है, क्या मुद्दा भैया, ईयू आ गया बीच में, मतलब कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स और उनके जो साथी हैं अलाइज, ठीक, कहां कहां के, वेस्ट एशिया के, वेस्ट एशिया मतलब द यूएई, यूएई उनका साथी है, ठीक, एंड नॉर्थ अफ्रीका, मतलब और नॉर्थ अफ्रीका के जो उसके साथी हैं, ठीक, कुछ कंट्रीज हैं जो नॉर्थ अफ्रीका में उनका साथ देती हैं, ठीक, जैसे इजिप्ट हो गया, उन्होंने क्या बना दिया, प्लान बना दिया, क्या करने का, बिल्ड करने का, क्या बिल्ड करने का, गैस पाइपलाइन, कहां से भैया, मेडिटेरेनियन सी से लेकर के यूरोप के मेनलैंड तक, मतलब इन कंट्रीज में मिलकर के प्लान तो बना दिया, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी, केप्ट टर्की, टर्की को क्या कर दिया, बाहर रख दिया। ठीक, भैया मेरे घर में खिचड़ी बनेगी और सब कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान बनेगा और मैं ही नहीं खाऊंगा, ऐसा हो सकता है, तो वही काम इन्फ्यूरिएट कर दिया, किसको इन्फ्यूरिएट कर दिया, अंकारा को। ठीक, अंकारा कौन है भैया, एक नया शब्द, अंकारा कोई शब्द नहीं है, अंकारा कैपिटल है किसकी, टर्की कैपिटल है अंकारा। ठीक, जिसने क्या कर दिया, इन्फ्यूरिएट कर दिया, इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिला दिया है किसको, टर्की को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्लियर दिस ईयर, मतलब इसी साल पहले क्या हुआ था, द ईस्ट मेड गैस फोरम वॉज फॉर्म, मतलब कि एक नया गैस फोरम बनाया गया था, किसके द्वारा भैया, उसमें कौन कौन थे, ग्रीस, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टीन, साइप्रस और इजिप्ट, मतलब इतनी कंट्रीज से मिलकर के एक ईस्ट मेड नाम का, मतलब ईस्ट मतलब पूर्वी और मेड मतलब मेडिटेरेनियन, तो दोनों को कंबाइन कर लिया, ईस्ट मेड हो गया, ईस्ट मेड गैस फोरम बनाया था। ठीक, किसके किसके द्वारा, इन कंट्रीज के द्वारा, और उसमें भी उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने टर्की को फिर से पीछे छोड़ दिया, मतलब कि बोला भैया टर्की तुम रहोगे नहीं। ठीक, अब जो भी उनका पर्सनल मुद्दा हो, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता, तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। तो दो दो बार जब टर्की एक्सक्लूड हो गया तो भैया उसके खुद के भी तो कुछ क्लेम्स हैं, तो उसने इस बात को बुरा मान लिया, इन्फ्यूरिएट हो गया और आगे देखते उसने क्या किया। ठीक, अब क्या कह रहा है, बट टर्की चैलेंज, मतलब कि इस बात को देख करके टर्की ने क्या किया, अपना जो रेपरकशन किया, उसका जो इफेक्ट दिखा, वो क्या दिखा, कि टर्की ने चैलेंज कर दिया। ठीक, किसको, द पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मतलब कि वो जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना रहा है उसको चैलेंज करके अपना खुद का कर दिया, क्या कर दिया है, एंड रीच्ड
एन अग्रीमेंट विद लिबिया। अब देखिए लिबिया किसका अलाई है, टर्की का अलाई है, ठीक। तो लिबिया मतलब उधर एक ग्रुप बन गया, इधर भी एक ग्रुप बन गया, किसके किसके बीच में, टर्की और लिबिया का एक ग्रुप बन गया, ठीक। वो अग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, ठीक। और लिखा है लिबियास ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट। अब लिबियास ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट क्या है, जिसकी जहां कैपिटल होती है वो उस तरीके से उसको इस्तेमाल करता है, ठीक। जैसे ट्रिपोली में उसकी कैपिटल है जिसकी लिबिया की, तो इसलिए कहते हैं ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट, ठीक। तो जो ट्रिपोली में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, मतलब उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, अंकारा इज बैकिंग, ये आगे लिखा हुआ है विच अंकारा इज बैकिंग। यहाँ पे रोक देते हैं, उसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिबिया की गवर्नमेंट, ठीक, उसके साथ उन्होंने करार किया है और वो जो गवर्नमेंट है उसको कौन सपोर्ट करता है, अंकारा सपोर्ट करता है। अंकारा मतलब कौन भैया, टर्की। टर्की उसको सपोर्ट करता है, मतलब उसका अलाई है, साथी है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, डिमार्केट लिखा हुआ है। डिमार्केट का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग कहीं बॉर्डर बनाते हैं, ठीक, उसको हम लोग डिमार्केशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सेट द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ, इस चीज की सीमा को तय करना या बाउंड्री को तय करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बैकिंग, बैकिंग का मतलब सपोर्ट, सिंपल। बैक का मतलब क्या होता है, पीछे होना, पीछे रह करके किसी को सपोर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बैकिंग, ठीक है। एंड लास्ट शोर्स, या फिर उसको कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक। जब भी जो सीमा हो, जब भी मतलब जहाँ पे मिलता है समुद्र और जमीन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शोर्स कहते हैं, ठीक। तो वो किसी भी चीज की सीमा भी हो सकती है, दैट इज शोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आप देखो लिबिया क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लिबिया के साथ कौन जुड़ गया, टर्की। बाकी वो जो कंट्रीज है यूरो के साथ वो अलग चल रही है, तो यहाँ पे उसने अपने साथ मिलकर के एक और फोरम बना लिया, ठीक। टू फॉर्म एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजी, ठीक। तो लिबिया और इसने मिलकर के एक ईईजी बना लिया, ठीक। फ्रॉम इट्स सदर्न शोर्स टू लिबियास नदर्न कोस्ट, मतलब कि दोनों ने मिलकर के इट्स सदर्न कोस्ट, ये इट्स किसके लिए है, टर्की के लिए, और कहां तक, लिबिया के नदर्न कोस्ट, मतलब लिबिया का जो नॉर्दर्न कोस्ट है, यानी कि जो बाउंड्री है पानी वाली, वहां तक, ठीक। अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, मतलब पूरे मेडिटेरेनियन के जहां से शुरू होता है जहां से अंत होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीस क्लेम्ड, अब लगे हाथ क्या हुआ, ग्रीस ने क्लेम किया, क्या क्लेम किया कि टर्किश जोन, मतलब कि टर्की ने जो लिबिया के साथ मिलकर के जोन बनाया, अपना एरिया बनाया है, उसने वॉयलेट कर दिया, वॉयलेट मतलब भंग कर दिया, क्या भंग कर दिया, इट्स मैरिटाइम सोवरेनिटी, ठीक, मतलब कि उसका जो अधिकार क्षेत्र था उसमें घुस गया। तो ग्रीस ने क्लेम किया कि टर्की और लिबिया ने जो क्षेत्र बनाया है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में घुस रहा है और मेरी सोवरेनिटी, ठीक, मतलब कि मेरी जो एरिया ऑफ पावर है उसको भंग कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या डेवलपमेंट हुआ, लेटर इसी के बाद क्या हुआ, ग्रीस अनाउंस्ड इट्स ईईजी विद इजिप्ट। अब देखो लिबिया टर्की अलग चल रहे थे, उन्होंने अपना ईईजी बनाया, अब यहाँ पे ग्रीस ने भी अपना ईईजी बना दिया, किसके साथ, इजिप्ट के साथ मिलकर के। अभी मैंने बताया था कि इजिप्ट भी किसके, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। विच क्लैशेस, अब दोनों के बीच में क्लैश हो गया, और टर्की का जोन, मतलब कि इधर टर्की का जोन, इधर इजिप्ट का जोन और ग्रीस का जोन, दोनों क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, ठीक। जोन इमीडिएटली देयर आफ्टर टर्की सेंट इट्स सर्वे शिप ओवर, और जब ये क्लैश हुआ तो तुरंत क्या हुआ, टर्की ने अपना एक सर्वे शिप भेज दिया, कहा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। मतलब कि धीरे धीरे टेंशन जो है एस्केलेट हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। द हाईली कॉम्प्लिकेटेड इशू नाउ हैज द पोटेंशियल टू इन्वॉल्व यूरोप, अब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है धीरे धीरे। अब जब कॉम्प्लिकेट इतना हो चुका है तो अब इसमें ये भी ताकत है कि वो यूरोप को भी अपने मतलब इस मुद्दे में खींच सकता है, ठीक। अब यूरोप के साथ साथ किसको किसको, वेस्ट एशिया को भी खींच सकता है, नॉर्थ अफ्रीका को भी खींच सकता है, क्योंकि तीनों के क्लेम्स है किसमें, मेडिटेरेनियन सी में, ठीक। अब कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू डिमार्केट, बहुत ही मुश्किल है क्या करना, डिमार्केट मतलब की बाउंड्री बनाना, किस चीज का, द मैरिटाइम बाउंड्रीज इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, मतलब कि पानी में कैसे बाउंड्री बनाओगे भैया। तो वही कह रहा है कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत मुश्किल है क्या करना, बॉडी मतलब बाउंड्री बनाना, ठीक है। तो कह रहा है विच इज डॉटेड विद, और जिस खासकर जब उसमें डॉटेड हो, डॉटेड का मतलब बताता हूं, डॉटेड विद टर्किश एंड ग्रीक आइलैंड्स, ठीक। अब देखो उसमें क्या, मेडिटेरेनियन सी बहुत बड़ा है, उसमें छोटे 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 टर्किश और ग्रीक आइलैंड्स है। डॉटेड का मतलब क्या हुआ, ये रहा ना डॉट, ये रहा डॉट 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 डॉट, तो ये सब क्या है, आइलैंड्स है, ठीक। तो इसमें इस पूरे मेडिटेरेनियन सी में मान लो ये इतने आइलैंड्स हैं, ये ग्रीस के हैं, फिर यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो टर्की के हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल है कि बाउंड्री को फॉर्म करना, किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार की बाउंड्री को फॉर्म करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है साइप्रस इज फिजिकली डिवाइडेड, मतलब कि साइप्रस जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी और तरीके से, वो फिजिकली मतलब लैंड वाइज भी वो डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक्सक्यूज मी। Cyprus is physically divided with the southern part ruled by the internationally recognized government and the northern part controlled by Turkey.
पहले लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, वोकैबुलरीज को चेक करते हैं। एक्सप्लोरेशन पहले इसके पहले भी ये वर्ड आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हैं, द एक्शन ऑफ सर्चिंग थोरो एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जिसमें हम लोग सर्च करते हैं किसी चीज को, नया खोजते हैं या फिर थोरो एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। इन डेप्थ स्टडी भी कह सकते हैं। एंड सेकंड क्या है, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब किसी भी चीज को अलग थलग कर देना, दैट इज नोन एज आइसोलेशन। आजकल ये शब्द बताने की जरूरत नहीं है, नया शब्द नहीं है, बहुत ही कॉमन शब्द है आजकल। लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर ले रहे हैं, कब, जब उनको पता चल रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो आइसोलेशन अलग थलग कर लेना, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट नॉट लीस्ट, इट इज ट्रेड, टी आर ई ए डी। देखिए इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है टी आर ई ए डी, सॉरी टी आर ए डी ई, ठीक। ट्रेड और ट्रेड ये दो शब्द हैं, और एक और शब्द है टी आर यू डी जी ई, ट्रज, ठीक। तीनों शब्द अलग अलग हैं। ये ट्रज शब्द मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले किसी सेशन में। ट्रेड के बारे में आज बात करते हैं। ट्रेड क्या जानते हो, मतलब व्यापार करना, ट्रेड। तो ट्रेड और ट्रेड में डिफरेंस ये ट्रेड है, टी आर ई ए डी, ट्रेड, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, वॉक इन अ स्पेसिफाइड वे, मतलब एक प्रॉपर तरीके से चलना, मतलब एक प्रॉपर फ्लो, एक प्रॉपर पैटर्न में ही चलना, बड़ा बिना दाएं बाएं हुए। और ट्रजिंग क्या होता है, ट्रज का मतलब होता है कि जब भी आप थके हारे कहीं पर चढ़ाई कर दो, दैट इज नोन एज ट्रजिंग, ठीक है। तो एक कविता है, बहुत ही फेमस कविता है, उस कविता का कुछ लाइन्स है, उसमें लिखा है, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेप्थ्स आर हाई, व्हेन यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई। इस कविता को पढ़िएगा, इस कविता का नाम तो अभी नहीं याद आ रहा है, आई ट्राई एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ट्रज, व्हेन द रोड्स यू आर ट्रजिंग सीन्स ऑल अपहिल, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेप्थ्स आर हाई, ठीक है। शायद रविंद्रनाथ टैगोर जी की यह कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया कविता है, ठीक, पढ़िएगा, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये तीन शब्द याद रखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। सदर्न पार्ट के कह रहा है, मैंने अभी बताया कि दो कंट्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड, कौन सी, साइप्रस, उसका जो सदर्न पार्ट है, ठीक, वो रूल होता है किससे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कौन, मतलब कि वहां पे जो सरकार है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, मतलब सब लोग मानते हैं कि सरकार आधिकारिक रूप से काम करती है, मतलब आधिकारिक रूप से एग्जिस्टेंस में है। लेकिन उसका जो नदर पार्ट है उसको कौन कंट्रोल करता है, टर्की कंट्रोल करता है, ठीक। तो एक नया मुद्दा आ गया, अब क्या हुआ, टर्की सर्वेशिप प्लान एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज अराउंड ग्रीस क्रीट आइलैंड, ठीक। अब देखो दोनों एक दूसरे के सामने कैसे कैसे स्टैंड ऑफ लेके आ रहे हैं। टर्की का जो सर्वेशिप है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोरेशन प्लान कर रहा है, कहां पे, ग्रीस के क्रीट आइलैंड पर। अभी मैंने बताया कि दोनों के आइलैंड है मेडिटेरेनियन में, किससे किसके, ग्रीस के भी टर्की के भी, तो ग्रीस का जो आइलैंड है उसके आसपास वो कर रहा है, तो उससे भी ग्रीस को प्रॉब्लम होगी, ठीक। फिर क्या कह रहा है, एक्सक्यूज मी, विच लाइज जस्ट आउटसाइड द टर्किश लिबिया इकोनॉमिक जोन। तो टर्की और लिबिया का जो इकोनॉमिक जोन है उसके जस्ट बाहर है, जिससे कि ग्रीस को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ग्रीस एंड साइप्रस कॉल इट अ वॉयलेशन ऑफ देयर सोवरेनिटी। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ग्रीस और साइप्रस ने क्या किया, उसको कॉल किया, मतलब बताया कि ये वॉयलेशन है, मतलब कि भंग कर रहा है क्या उनकी जो सोवरेनिटी है, मतलब निर्भरता, मतलब उनका जो एरिया ऑफ पावर उसको भंग कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस द EU's मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स, मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, has thrown its weight behind Greece and Cyprus. Thrown its weight का मतलब क्या हुआ, अपना भार कहीं पर रख देना, मतलब क्या है, किसी को सपोर्ट करना, तो thrown its weight, ये एक idiom है जिसका इस्तेमाल करते हैं कब, ये बताने के लिए कि वो किसका सपोर्ट करता है, इन सपोर्ट ऑफ, तो फ्रांस ने किसका सपोर्ट किया है, ग्रीस और साइप्रस का, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, नाउ एन अलायंस इज इमर्जिंग अमंग ग्रीस साइप्रस इटली एंड फ्रांस। अब एक नया प्लेयर इस फील्ड में आ रहा है, वो नया प्लेयर कौन है, नए प्लेयर्स एक्चुअली में, ग्रीस साइप्रस इटली और फ्रांस, ये चारों कंट्रीज एक साथ मिलने की, मतलब अलायंस करने की संभावना दिख रही है, ठीक। विच इज बैक्ड बाय इजिप्ट, जिसमें जो कि जिसको सपोर्ट मिलेगा किसका, इजिप्ट का, इसराइल का और यूएई का भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक, मतलब ये चार पांच कंट्रीज एक साथ उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक। विच इज बैक्ड बाय, सॉरी, टर्की स्टैंड्स ऑलमोस्ट आइसोलेटेड, और इसका असर क्या पड़ेगा कि टर्की एकदम आइसोलेट हो जाएगा, मतलब कि उसके साथ सिर्फ एक अलाई रह जाएगा, दैट इज लिबिया, और लगे हाथ वो आइसोलेट है, मतलब कि एकदम किनारे पड़ जाएगा, अकेला पड़ जाएगा, ठीक। बट रिमेन्स अ की पावर, लेकिन उसके अकेले पड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगे हाथ वो की पावर भी है, की पावर कहाँ पर, मेडिटेरेनियन में, मतलब कि उस क्षेत्र में, मेडिटेरेनियन सी का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री माना जाता है, विच रिक्वायर्स द EU टू ट्रेड कॉशियसली। अब ऐसा नहीं है कि उसने अगर EU ने अगर इजिप्ट को, सॉरी, टर्की को अकेला कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर हो गया, कमज़ोर नहीं हुआ है। यहाँ पे ये भी देखना होगा कि भले उसने आइसोलेट कर देगा, वो आइसोलेट कर देगा EU, लेकिन EU को एक सुझाव भी दिया जा रहा है कि उसको अपने कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे,
ठीक, ऐसा नहीं कि उसने आइसोलेट कर दिया तो वो एकदम कमजोर पड़ गया, ठीक है। आगे बढ़ता है, क्या कह रहा है, इफ द ईयू वॉन्ट्स टू ट्रांसपोर्ट गैस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इजराइल टू यूरोप वाई साइप्रस एंड इटली एंड ओपन कंफ्लिक्ट विद टर्की कैन नॉट हेल्प। ठीक, पहले वर्ड्स देख लेते हैं, लिखा है डायल डाउन, इसका मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या हुआ, नीचे लाना, डायल मतलब पता ही है, वो नंबर डायल का मतलब नीचे, कोई भी चीज को नीचे लाना, रिड्यूस करना, तो टू रिड्यूस और डिमिनिश इन इफेक्ट और इंटेंसिटी, किसी भी चीज के असर को कम करना, ठीक, दैट इज नोन एज डायल डाउन। रिसर्जेंट, देखो रिसर्ज, सर्ज का मतलब क्या होगा, देखो दो पार्ट में जो तोड़ दो, यहां लिखा है, देखो ये हो गया सर्ज, ठीक, सर्ज का मतलब क्या बताया था, किसी भी चीज को बढ़ना, अचानक से बढ़ जाए, ठीक, और उसके बाद री का मतलब क्या हुआ, फिर से, ठीक, और रिसर्जेंट को जोड़ दो तो मतलब कोई भी चीज जो रिवाइव कर रही हो, मतलब कि फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हो, फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने की कोशिश कर रही हो, ठीक। रिवाइविंग आफ्टर पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी पॉपुलैरिटी और अकरेंस, मतलब कि धीरे धीरे, जैसे रशिया था 1991 में रशिया ब्रेक हो गया, लेकिन उसके बाद फिर वो कमजोर पड़ गया, फिर धीरे 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 आज रशिया फिर से पावरफुल कंट्रीज की कैटेगरी में आ चुका है, तो वो क्या हुआ, रिसर्जेंट रशिया होगा, जो वापस से जीरो से हीरो बन रहा है, ठीक। और बुली, ये बहुत ही कॉमन सा शब्द है जो आजकल बहुत बार सुनने को मिलता है, स्कूल में बुलिंग होती है, कॉलेज में बुलिंग होती है, बुलिंग का सिंपल हिंदी मीनिंग किसी का मजाक उड़ाना, बेवकूफ बनाना, दैट इज बुलिंग, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, पर्सन हु हैबिचुअली सीक्स टू हार्म और इंटिमिडेट दोज हुम दे परसीव एज वल्नरेबल, मतलब जो उनको लगता है अरे ये तो ऐसे ही है कुछ भी, तो मार दो या कुछ भी बोल दो, तो दैट इज बुलिंग, ठीक। अब आगे पढ़ते क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर EU चाहता है कि गैस को ट्रांसपोर्ट करे, कहां से ट्रांसपोर्ट करे, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इजराइल टू यूरोप, ठीक, मतलब कि इसराइल से ले होते हुए यूरोप को लेकर के जाया, और वाया, वाया मतलब होते हुए, कहां कहां से होते हुए, साइप्रस भी, इटली भी, अगर वो ऐसा चाहता है, ठीक, तो उस मतलब कि टर्की के साथ अगर खुले तौर पे वो जो है कन्फ्लिक्ट ले लेता है, मतलब खुले तौर पे लड़ाई कर लेता है, तो वो उसको कोई भी सहायता नहीं देने वाला, क्योंकि टर्की भी अड़ जाएगा, ये भी अड़ जाएगा, तो उसके लिए कोई किसी हेल्प का नहीं होगा, ठीक। व्हाट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट, कह रहा है कि जो सबके सबके लिए फायदे की बात हो सकती है वो क्या होगी, इज टू डायल डाउन टेंशन, ऑब्वियसली टेंशन को कम करना सबके फायदे में होगी, मतलब कि टेंशन कम कैसे होगा, टू एंड फाइंड अ डिप्लोमेटिक एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, और उसका लड़ाई से नहीं, शिप्स भेज करके नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक, ठीक, बातचीत करके और म्यूचुअली जो एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों तीनों चारों पांचों दसों जितने भी पार्टी हैं सब उस पर अग्री करें, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, एक्सेप्टेबल जो सबको सबको मंजूर हो, ठीक, टू द गैस कॉन्टेस्ट। अब ये गैस कॉन्टेस्ट क्या है, कोई नया कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, कोई नया वो नहीं चल रहा है, गैस कॉन्टेस्ट मतलब जो पूरा मुद्दा है उसी के बारे में बात करें जो गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या, एक्सक्लूडिंग टर्की, मतलब कि टर्की को छोड़ देना या टर्की को छोड़कर, ठीक, विच हैज ए लॉन्ग मेडिटेरियन कोस्ट, और जिसका कि बहुत लंबा मेडिटेरियन कोस्ट है, इज अनवाइज, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि टर्की को अकेले छोड़ देना या टर्की को इस स्कीम से बाहर कर देना कोई भी समझदारी भरा डिसीजन नहीं होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, अलाउिंग रिसर्जेंट टर्की टू बुली स्मॉलर पावर्स, कह रहा है कि मतलब टर्की को छोड़ देना भी समझदारी भरा डिसीजन नहीं होगा, और साथ साथ टर्की को अलाउ करना, मतलब कि टर्की को इस काम के लिए भी छोड़ देना, रिसर्जेंट टर्की, रिसर्जेंट मतलब जो अब जीरो से हीरो बन रहा है, ठीक, टर्की टू बुली स्मॉलर पावर्स, मतलब कंट्री टर्की के आसपास जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, अगर मान लो एक सिचुएशन समझो, कहने का मतलब यह है कि टर्की को अगर मान लो यूरोप ने चढ़ाई नहीं की होती, तो यूरोप ने अगर चढ़ाई नहीं की होती तो टर्की थोड़ा शांत नहीं होता, कहने का मतलब यही है कि अगर टर्की को न इंक्लूड करना भी संवैधानिक डिसीजन नहीं होगा, और टर्की को अकेला छोड़ देना कि ताकि वो अपने क्षेत्र में पावरफुल बन जाए, ये भी सही नहीं होगा, तो उसका कहने का मतलब यही है। तो अलाउिंग रिसर्जेंट टर्की टू बुली, मतलब परेशान करे किसको, स्मॉलर पावर, जो अपने आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रीज उनको परेशान करे इन द रीजन, वुड बी स्ट्रेटेजिकली डिजास्टरस, मतलब कि वो अगर आप उनको अकेला छोड़ देते तो भी वो स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही डिजास्टरस साबित होगा, ठीक। और फिर अंत में क्या कह रहा है, EU has to strike a balance between these two options, ठीक, और EU को इन दोनों options के बीच में समझौता करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों के बीच को दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं कि मतलब सिर्फ आप एक ही काम करोगे, मतलब कि या तो आप उसके खिलाफ चढ़ाई कर दो, उसको टोटली अलग थलग कर दो, या फिर उसको छोड़ दो कि वो सब कुछ अपने हाथ में ले ले, तो यू क्या करना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक। तो फाइनली दिस सेशन हैज एंडेड, और होप करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और मैंने हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को, हर एक सेंटेंस को ट्राई किया कि एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द लाइटिंग, बिकॉज लाइटिंग कंडीशंस आर नॉट इंप्रूविंग, एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू इंप्रूव द लाइटिंग कंडीशन, और मेरा चेहरा देखिए क्या करोगे, नॉलेज लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं, और आपको पता क्या करना है, कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑन 20th ऑफ दिस मंथ, दैट इज टुमारो, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।